खबर रायबरेली से है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूफड़ा साफ होने के बाद अब भाजपा पार्टी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ऐसा माना जाता है कि अगर रायबरेली से 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हारते हैं तो पूरे देश से कांग्रेस का सूफड़ा साफ होता है। ऐसा पहले भी हुआ है। इसी क्रम में रायबरेली में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार भाजपा के दिग्गज नेताओं का दौरा चल रहा है। अपने एक दिवसीय दौरे के लिए रायबरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में शिरकत किया। वहां पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीबों की हित की योजनाओं प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री आवास कॉलोनी के साथ साथ और भी योजनाओं के बारे में जनता को संबोधित किया। इतना ही नहीं, जिले के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर नेता भी मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने भाजपा पार्टी के कार्यालय का भी लोकार्पण किया। वहीं अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की माने जो केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं, जिसके चलते इस गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा लगातार गरीबों के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं, वह कल्याणकारी हैं। इसी के साथ साथ रायबरेली में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। कानपुर में एक हफ्ते पहले जो विवाद हुआ था, उस विवाद में जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भावना के साथ कार्यवाही नहीं की जा रही है। विराट 24 के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। आज रायबरेली आगमन हुआ, क्या कहेंगे इसको लेके? आज भारतीय जनता पार्टी रायबरेली द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनमानस के साथ एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी रायबरेली का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और पूरे रायबरेली जनपद के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ सभा में आए हुए सभी माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का आभार प्रकट करता हूँ। इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद, धूप के बावजूद उन्होंने सभा को सफल बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 8 वर्ष आज केंद्र की सरकार को पूरे हो गए हैं, उस उपलक्ष्य में इस जनसभा का आयोजन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो सुशासन है, जो सेवा धर्म है, उसको लेकर के विस्तृत बात हुई है। मैं आप सभी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इतनी धूप में आज इस मीटिंग में आप सब आए, आपके सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ही के दिन जो है जुमे की नमाज में कानपुर में जो है बवाल हुआ था, वो आज भी अलर्ट है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्प है। कहीं भी किसी को भी गड़बड़ी करने की कोई छूट नहीं है। हम पूरी तरह से सजगता के साथ काम कर रहे हैं। महान दल ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, बाकी आंतरिक विषय है, लेकिन ये हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने बुने जाल में खुद फंस गई और वो एक डूबता जहाज है, धीरे धीरे सब लोग निकलेंगे।